रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी जानी मानी शख्सियत से जिन्होंने नोएडा में अपना कैरियर शुरू किया और वो दो बार जनप्रतिनिधि रहे और यूपी में मंत्री भी रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन चौहान जी के। मदन चौहान जी ने एक प्लेटफार्म बनाया, गांधी विचार मंच। इन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार मदन जी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपको भी नमस्कार मेरा। मैं जानना चाहता हूँ मदन जी के बचपन में, शुरुआत में क्या आपने सोचा था कि मैं राजनीति में भी जाऊँगा? कैसे शुरुआत हुई आपकी जीवन की? देखिए, मैं पहले से ही भावुक टाइप था और मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक गरीब परिवार और एक किसान परिवार से जन्मा हूं जी, तो हर उस चीज को, हर पहलू को बहुत नजदीक से देखा है जिसकी आज बहुत अनदेखी हुई है जी। और अनदेखी आज भी है, अभी भी है, चाहे वो किसान की परिभाषा हो, मजदूर की हो, या एक आम छोटे से उपभोक्ता के नाम पर हो, या एक छोटे से विद्यार्थी को हो, पूरी उन सब पहलुओं से मुझे गुजरने का मौका मिला। और हमेशा ये प्रयास रहा कि ये इस जनता का शोषण किस तरह से कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है, क्या क्या इसके पीछे कारण है, वो सब चीजें रही हैं। और उसी को लेकर के फिर हम दिल्ली की तरफ रोजगार की तलाश में रहे, पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार की तलाश में रहे। बड़ा मुश्किल जैसी आज की सिचुएशन है, ये सिचुएशन पहले भी काफी कुछ थी, ज्यादा और मुखर हो गई है ये प्रॉब्लम जी, जी, तो उस वक्त भी हमको लगता था बड़ी मुश्किल से रोजगार मिलता था, क्योंकि एजुकेशन में भी कई तरह की एजुकेशन है, जिस वजह से जो रोजगार की एजुकेशन है वो शहरों तक सीमित होकर के रह गई है। ये गांव के कुछ चंद लोगों को प्राप्त होती है, बाकी लोग तो पढ़ लिख कर भी रोजगार की बहुत नीचे की श्रेणी में चले जाते हैं जी, जी। शहर के जैसे तैसे करके यहाँ मैं दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली के कई कठिन रास्तों से निकलता हुआ और मैंने सर्विस की और मैं अकाउंट्स में था जी। जो मोदी, जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है, फाइव स्टार होटल है जी, जी। ओब्रायर के नाम से, उसमें मैं अकाउंट्स में रहा हूँ, इन्वेंट्रीज में रहा हूँ। तो मैंने वहां से अपना काम शुरू किया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा कुछ ना कुछ जीवन में, क्योंकि जीवन की सार्थकता तभी तक है जब इस जीवन के उद्देश्य को हम समझ लें। हम उचित अनुचित में अंतर समझते हुए हम ऐसा रास्ता चुने जिससे हम इस प्राणी मात्र की या इस इंसानियत की सेवा कर सकें और मानवता को पैदा कर सकें और देश के प्रति भी जागरूक रहें। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर के मैं बड़ा कई बार बहुत प्रयास में लगा रहता था और दिमाग में ये विचार आते थे। तो मैंने नौकरी के साथ साथ, क्योंकि जब नोएडा का बहुत बहुत उद्गम ही था लगभग समझिए, तो हम एक बस चलती थी नोएडा में 355 नाम की जी, 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 जो आनंद पर्वत से आया करती थी और सेक्टर 6 तक रुक जाया करती थी। तो हम कभी कभी यहाँ आते थे तो दूर दराज में गांव के अलावा भी कोई ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ नहीं था और ना ही ज्यादातर परिवहन की व्यवस्था थी, ना सड़कों का कोई बड़ा ये था। लेकिन मैं इसमें तिवारी जी, जो माननीय नरेंद्र तिवारी जी थे, उन लोगों का और जो चाहे संजय गांधी जी भी रहे, उनके विचारों का हमको आदर करना चाहिए, उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने इस जमी को आबाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्हीं के विचार थे और उन्होंने एक सेटअप पैदा किया, लेकिन वो उम्मीद नहीं थी यहाँ पर कि हम लोग बहुत बड़ी तरक्की कर पाएंगे, ऐसा कभी लोग सोचते नहीं थे। इतनी महंगाई और इतना कमर्शलाइजेशन का भी आइडिया नहीं था जी। लेकिन हम भी, मैंने भी आना जाना शुरू किया, बहुत लोगों के साथ बैठता था और थोड़ा बहुत रियल इस्टेट से मैं जुड़ने की कोशिश करता रहा, कुछ थोड़ा बहुत व्यवसाय भी किया। लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं पूरा घूमा इसमें, चाहे नौकरी की तलाश में घूमा हो, चाहे किसानों की दुर्दशा के बारे में देखा हो, चाहे यहाँ पर आम जो मजदूर था उसकी स्थिति देखी, तो मेरा ये रहा कि कैसे पब्लिक की सेवा की जाए, कैसे पब्लिक को इन शोषण से छुटकारा मिले, चाहे वो कोई भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे दूसरी हो, नौकरशाही की बात हम करें तो कहीं ना कहीं शोषण का आयाम हमको मिलता रहा है, देखा है। तो उसको एक भावना दिमाग में रही कि हम गरीब की किस तरह से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत बड़े कहीं पर किसी उसमें नहीं निकल पाए थे, तो हमारे सामने ये रहा पब्लिक सेवा की जाए। और उस पब्लिक सेवा में राजनीति का मार्ग हमारे सामने कभी कभी आता था,
तो हम नेताओं के साथ, विभिन्न कांग्रेस के नेताओं के साथ उस टाइम जुड़ करके कार्य करते रहे, और यहाँ की भी हमने परिदृश्य को देखा, उस परिदृश्य को देखा। और मुझे नहीं लगता कि मैं, जब मैं आया था तो मैंने पैदल सेक्टरों को, जब सेक्टर बन ही रहे थे उसमें बने नहीं थे मकान और सिर्फ प्लाट ही वगैरह हुआ करते थे, तो उनको पैदल भी हमने खूब घूम घूम कर घूमे हैं। और तो पैदल ऐसे लगता था कि जैसे हम सैर कर रहे हो यहाँ, बड़ा अच्छा लगता था और उस भावना से। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये नोएडा तरक्की की ओर गया, कमर्शलाइजेशन हुआ, तो बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए, और जब बड़े लोग आए तो बड़े की चकाचौंध में जो पैसे के उनके पास, क्योंकि दिल्ली के पास लगता हुआ था, और तो लोगों ने इसका इम्पोर्टेंस समझी और यहाँ पर व्यवसायीकरण हो गया। और मुझे ऐसा लगा ये जो प्राधिकरण बना, ये भी ब्यूरोक्रेसी का एक अड्डा बन गया, ब्यूरोक्रेसी की मनमानी के तरीके से यहाँ पर जो एक जो आज तक मैं महसूस कर पाया, मैं तो थोड़ी बहुत राजनीति करने लगा और मैंने व्यवसाय में मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया, और फिर मैंने गढ़मुक्तेश्वर में जाकर 3 बार चुनाव लड़ा है, 5 बार चुनाव लड़ा है, 3 बार मैं लगातार जीता हूँ। तो मैंने बहुत करीब से वहाँ की जनता को भी देखा, यहाँ की जनता को भी देखा, और पूरी तरह से मैं, क्योंकि यहाँ घुल मिल गया था और तमाम ऐसी गतिविधियां में शामिल रहता था जो जनहित से जुड़ी होती है, चाहे लोकमंच के द्वारा हो, चाहे नोएडा की और संस्थाएं हो, चाहे गांधी विचार मंच मैंने बनाने का प्रयास किया, हालांकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाया और बहुत कुछ उसमें कर नहीं पाए हम लोग, लेकिन उसका उद्देश्य यही था, यहाँ के आम लोग कैसे शोषण से बचें। आज शोषण के कई माध्यम हमारे सामने मुंह भाए खड़े हैं आज भी। एक गरीब आदमी जो यहाँ की बिल्डिंगों को बनाता है तो, लेकिन वो तरसता है यहाँ के अच्छा पानी पीने से भी, अच्छा खाना खाने से भी, अच्छी जगह रहने से भी, अच्छी चिकित्सा से भी, अच्छी शिक्षा से भी, इन सब से आज भी वंचित है वो। और गांव की जो दुर्दशा खराब की, गांव में हालांकि पैसे का आवागमन बढ़ा है और एक ये समझिए खुशहाली महसूस देती है, लेकिन सामाजिकरण का जो इस तरह वो गिरा है, सामाजिकरण जो हम लोगों में एक बहुत बड़ा बैठने का सौहार्द और बैठने का प्रेम था, उसमें कमी आई है। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी है, जब बोर्ड मीटिंग जो भी कही है, जो इनका संचालन प्राधिकरण का करती रही है, उसमें तिकड़मबाज भी अधिकारी रहे, तिकड़मबाज और नेता लोग भी रहे, तिकड़मबाज जो जो लोग थे उन्होंने अपना काम को पूरा बना लिया, अधिकारी ने भी बनाया, और जो दूसरे तिकड़मबाज थे चाहे वो कोई भी था, उसने लाइजन करके बड़ा बड़ा काम यहाँ पर किया। लेकिन जो आबादी के नाम पर आज भी जो लुकना छोड़ा हुआ है, वो यहाँ को तरस तरस करके और पीड़ित करने का काम, चाहे बुजुर्ग वाली पीढ़ी जा रही हो, चाहे बीच की मध्यम पीढ़ी हम जैसे लोगों की हो, जो आने वाले बच्चों की पीढ़ी हो, आज भी उसको ये पता नहीं जिस जमीन पर तू बैठा है कि वो तेरी है या प्राधिकरण की है, या तू कैसे करेगा। जब चाहा प्राधिकरण ने, जब ठोकर मार दी किसी ने, जब चाहा प्राधिकरण के अधिकारियों ने शोषण किया, और शोषण ही इस ढंग से नहीं किया, शोषण उसको प्रताड़ित भी किया, और प्रताड़ित करने के बाद में मेहनताना भी वसूला। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि अगर प्राधिकरण के जितने अधिकारी आज तक रहे हैं, अगर उनकी जांच करा दी जाए, तो एक बहुत बड़ा जो मैं कामयाबी कहना चाहिए कि इस सिस्टम में मिल सकती है, वो मिल सकती है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो आबादी के नाम पर है, जिस अधिकारी ने, अधिकारियों के बगैर कोई मकान नहीं बना सकता, कोई कमरा अपनी जमीन पे नहीं बना सकता, और वहां बना सकता है तिकड़मबाज, चाहे वो प्राधिकरण की जमीन है, चाहे वो किसी और प्रकार की जमीन है, चाहे LMC है, वहां पर प्राधिकरणों की जो अधिकारी है उनकी मिली भगत से आज भी लोग तिकड़मबाज अपना काम चला रहे हैं। और जो बाकी लोग हैं, गरीब और कमजोर, जो छोटा, जो ना समझ, जिसको नॉलेज नहीं है, जो बहुत दूर तक आना जाना नहीं होता, कोर्ट कचहरी की गतिविधियां नहीं जानता, वो आज परेशान है। और ये परेशानी मैं समझता हूँ कि पिछले 40 साल से हम लोग झेल रहे हैं यहाँ, मैं महसूस करता हूँ, और आज भी झेलने का बराबर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। किसी को पता नहीं कहाँ पर, किस जमीन पर वो जो बैठा है उसकी पुश्तैनी जमीन है, और उसे प्राधिकरण कब कह दे कि नहीं ये तो मेरे रिकॉर्ड में चढ़ी है, हमारी जमीन है। तो ये सब जो खेल चल रहा है, ये एक ऐसा खेल है कि जो लोगों के जीवन स्तर को भी कम करता है और जीवन आयु को भी कम कर रहा है यहाँ के लोगों की। ये बहुत बड़ा लुकना है। प्राधिकरण का उद्देश्य होना चाहिए कि गरीब भी बच जाए,
और कमजोर भी बच जाए, मध्यम श्रेणी का भी बच जाए, लेकिन जो यह माहौल चल रहा है उसको अगर देखते, भूमिहीन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अब जब प्राधिकरण में इतनी महंगाई आ गई, इतने लाखों लाखों रुपए का रेट हो गया, तो फिर उसमें वो भूमिहीन क्या करेगा जो सिर्फ 500 या 1000 रुपए की मजदूरी कर सकता है, तो बच्चों का पेट भी नहीं पाल पाएगा, आखिर वो उसका आवास कहाँ से मिलेगा। वो कोई यहाँ के भी जो रहने वाले लोग हैं, जो बहुत सारे लोग, बहुत कई जाति बिरादरी में जो बसे लोग हैं जिनके पास भूमिहीन थे, उनकी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, ना कोई उनके लिए स्कीम है। तो आखिर प्राधिकरण का ये सौतेला व्यवहार मैं समझता हूँ। तो ये ऐसा महसूस लगता है प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो गरीबों को आवाज दे सके, बल्कि ऐसी व्यवस्था बन गई कि जो अमीर आदमी है उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वो कहीं प्लॉट ले ले, कहीं जमीन ले ले, कहीं कुछ कर ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जो निम्न श्रेणी का, जो आर्थिक कमजोर व्यक्ति है, उसकी कोई संभावनाएं यहाँ नहीं लगती। हमने कितनी बार आवाज उठाई है जब मैं विधायक रहा हूँ, और यहाँ पर भी उठाई है, और जहाँ मैं गढ़मुक्तेश्वर से रहा हूँ वहां भी। मैं राजनीति करने का मेरा मकसद सीधा सीधा या मंत्री बनने का ये है कि मैं किस तरह से उस पीड़ित व्यक्ति की के रास्ते को आसान कर सकता हूँ, उसकी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, उसका जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें कहाँ मैं कम करने में काम आ सकता हूँ, ये मेरा उद्देश्य आज भी है, पहले भी था। ये तो ये बहुत सारी, जैसे लीज रेंट है, मान लिया, यहाँ लीज रेंट का मतलब है कि एक तरह से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ट्रांसफर चार्जेस इतने भयानक लगा दिए गए हैं कि एक आदमी अगर प्रॉपर्टी खरीदने लगे मध्यम श्रेणी का, तो ऐसा लगता है जैसे गांव में या किसी छोटे शहर में कोई प्लॉट खरीद लिया हो, इतने ट्रांसफर चार्जेस और रजिस्ट्री चार्जेस है। आज ये सारी समस्याओं के बारे में बिल्कुल प्राधिकरण नग्न्य है, बल्कि प्राधिकरण में जो आने वाले अधिकारी थे उन्होंने आबादी के नाम पर जो खेल किया है, कन्वर्जन के नाम पर जो खेल किया है, और जो अपने लिए जो नए नए सेक्टर बना करके वो अलॉट किए, आखिर इस सिस्टम को कोलैप्स नहीं किया गया। ये सिस्टम जो था, जिसमें कि द्रव की बात आए, चाहे किस तरह से वो जो सिस्टम बनाया जाता है उसको तोड़ करके जो इस सेक्टर में, समझता हूँ 47 सेक्टर अलॉट हुआ, तो क्या वो अधिकारियों के और बड़े लोगों के हिस्से में ही आया, या 15 बड़े लोगों के हिस्से में ही आया? ये सिस्टम ये बताता है कि यहाँ मनमानी चलती है, यहाँ अधिकारियों से मिल करके जो तिकड़मबाजों का खेल चलता है वो एक बहुत बड़ा खेल है, चाहे वो फैक्ट्रियों के मालिक लोगों में बैठे लोग हो या चाहे वो दूसरे लोग हो। तो ये एक बड़ा सिस्टम या जगह है, हमारा प्रयास ये रहा है कि इसको क्लीन रखा जाए, ताकि इसमें बराबर लोगों को हिस्सेदारी हो। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है, और एक आदमी को ही पूरी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आप चले जाएं, जहाँ इतनी बड़ी वसूली होती है प्राधिकरण के द्वारा, वो चाहे किसी भी रूप में हो, प्लॉट बेच के, ठीक है प्लॉट के बिल के द्वारा आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे चार्जिंग है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो लीज रेंट के नाम पे, कंप्लीशन के नाम पे, नक्शा पास कराने के नाम पे, सफाई के नाम पे इतनी बड़ी रकम वसूली जाती है, आखिर उनका क्या दोष है? वो रहने वाले तो हैं, बस इसलिए ये दोष है उनका। तो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, इसलिए कभी कभी कॉरपोरेशन की मांग करते हैं। तो इस पे नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारियां आते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर तो वो है कि जो बड़ा आदमी है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है, और यहाँ लोगों की पोस्टिंग को ये माना जाता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे अधिकारियों में हो, चाहे प्राधिकरण में हो, ये माना जाता है कि वो एक सोने की खान में जा रहा है, उसे सोना लेकर के घर पहुंचाना है या सोना इकट्ठा करके यहाँ घर बना करके रहना है। तो ये जो मानसिकताएं हैं, इस मानसिकताओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोगों को एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छी सद्बुद्धि के साथ इसको आगे विकास करना है, बढ़ाना है। चिकित्सा में कितनी बड़ी हम लोगों को लूटना मिला, चिकित्सा के नाम पर यहाँ जीरो है, अगर हॉस्पिटल है भी तो उनमें सामर्थ्य नहीं है गरीब आदमी का वो इलाज करा सके। कई बार मैं देखता हूँ कि उसके पैसों की वजह से उसकी बोरी देने में भी दिक्कत आती है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लगता है कि वो अस्पताल वाला बोरी भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो इस पर ध्यान नहीं गया, लोगों के विकास पर ध्यान नहीं गया, सिस्टम में भी अब सिस्टम सुधराया नहीं। मैं कभी कभी देखता हूँ जहाँ 250 मीटर के प्लॉट है, 7 मीटर की रोड है उनके सामने। तो आखिर ये सब चीजें जो है, वो सिस्टम तो चलो थोड़ा थोड़ा सुधरता गया, नाले खुले हैं आज भी, गंदगी का कहीं कहीं बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है,
वहां पर भी बीमारी फैल रही है। और जो जो अगर हम किसी भी चाहे वो इंटरप्रेन्योर्स हो, वो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हो, वो जो उद्योग चलाने वाले लोग हो, तो उनको अगर ज्यादा चार्जिंग पे रखेंगे, ज्यादा उन पे दंड लगाया जाएगा, ज्यादा उन पर लीज रेंट के नाम पे या और दूसरी चीजों के नाम पर वसूली की जाएगी, तो वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो ये आज एक ऐसा शहर बनना चाहिए था जिसमें गरीब अमीर मध्यम श्रेणी के लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके और एक अच्छा मानक बन करके इस इंडिया का नाम बहुत विदेशों में जा सके, लेकिन वो उस तरफ उस गति में हम नहीं पहुंच पाए। एक बात पूछना चाह रहा हूँ विधायक जी, आप आपने जो गांधी विचार मंच जो बनाया था उसका उद्देश्य क्या था और वो उसकी उसका विचार आया कैसे आपके दिमाग में? मेरा विचार इसलिए आया कि गांधी जी ने जो प्रयास किए थे और गांधी जी के बराबर, क्योंकि एक बैरिस्टर होने के बाद में जिस आदमी को उसको अपने जीवन के लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उसने भारत की दुर्दशा देखी तो उसने अपने मन में संकल्प लिया था कि हम इस भारत या जिनको अफ्रीका तक में उसने लड़ाई लड़ी थी, तो वो बहादुर एक वीर योद्धा था, इस देश का राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया क्योंकि उसने ये एक उदाहरण पेश किया कि अफ्रीका में भी लड़ाई शुरू कर दी, लंदन में भी लड़ाई शुरू कर दी, और यहाँ रह करके अगर गांधी जी ना होते तो ये देश आजाद नहीं होता, और देश आजाद नहीं होता तो ये जो हम खुली हवा में सांस लेते हैं और जिन लोगों ने शहादत दी है, उस शहादत का कोई मतलब हमारे में आज रह नहीं गया, ना ही हम समझते सिर्फ औपचारिकताएं करते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे दूसरे पर्व हमारे आते हैं, गणतंत्र दिवस हो, कोई भी दिवस ऐसा आता है, उसमें हम जिन्होंने बलिदान किया उनकी जो भावनाएं थी उसको नहीं सोच रहे कि उनकी विचारधारा क्या थी, हम देश के लिए क्या करें। आज देश के लिए विभिन्न प्रकार की धारणाएं चालू हो जाती है, जो 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 नेगेटिव है बिल्कुल। तो इस देश को बचाने के लिए हमें अपनी भावनाएं साफ रखनी पड़ेंगी। दूसरा, जो शोषण उन्होंने इसलिए किया था कि उन्होंने जब बिहार में देखा कि महिला पे एक धोती तक नहीं है, उसी को धोना पड़ता है, उसी को पहनना पड़ता है, उसी को कहना, कैसे कैसे जीवन कटता है इस देश के लोगों का, मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस टाइम तो अनाज भी नहीं होता था, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं होता था, उसी भावना को रख करके उसने देश को आजाद करा करके, और जब तक उसने ताना, जब तक जीवन पर्यंत वो रहे, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं जब भी पूर्ण था कपड़ा पहनने का हकदार हूँ, जब मेरे देश के और गरीब लोग भी के लिए कपड़ा उपलब्ध हो, मकान उपलब्ध हो, तो उस भावना के साथ गांधी जी की जो विचारधाराएं थी, आज भी उस विचारधारा को हम लेकर चल रहे हैं। आज भी जब हम अनशन करते हैं या कहीं आंदोलन करते हैं या कहीं धरना करते हैं, तो हम लाठी डंडे लेके नहीं जाते, हम बंदूकें लेके नहीं जाते, हम जाते हैं उसी तरह से असहयोग आंदोलन की तरह से धरना देते हैं, अपनी बात मनवाने की बात करते हैं। ये सब गांधी जी की देन थी। गांधी जी ने झूठ बोलने में और ये तमाम कर्म और वचन और मन से साफ रहने की जो हम लोगों को एक संदेश दिया है, वो दुनिया भर में गया है, और गांधी जी ने सबको इकट्ठा किया, कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई धर्मवाद नहीं था उस पर, ये बाद में सब लोगों ने फैलाया, अंग्रेजों ने कुछ हवा दी उसको, तो उसलिए गांधी जी की विचारधारा को मैंने बहुत मेरे मन में उसकी जगह मिली, तो मैंने ये इसलिए संकल्प लिया कि गांधी विचारों को लेकर के अगर हम चलेंगे तो आज भी देश तरक्की कर सकता है। आखिर धन हम बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख जाएंगे तो हम कहा होगा, बहुत लोगों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर, बहुत लोगों के पास, कोई भी मैं किसी की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि सब लोग शामिल हो जाते हैं उसमें, सब लोग शामिल होते हैं, तो उन सब लोगों ने ये गांधी जी की विचारधाराएं थोड़ी थी, आप अपना काम करिए, आपके लिए इतना धन होना चाहिए ताकि आपका मेहमान भी भूखा ना हो, आप भी परेशान ना हो, आपके बच्चे भी परेशान ना हो, चिकित्सा शिक्षा का उचित प्रबंध हो, ये गांधी जी की भी विचारधाराएं थी। महिलाओं का सम्मान करना भी विचारधाराएं थी, आगे बढ़ना भी विचारधाराएं थी। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म कर रहा है और वो नहीं मान रहा तो लड़ने की भी विचारधाराएं थी, ऐसा नहीं है। तो उस विचारधारा को मन में रखते हुए हम लोगों ने चाहा था कि हम गांधी विचार मंच को लेकर को थोड़ा सा लोगों को जोड़ें, और उस विचारों को आज भी उनकी जरूरत है, उनकी उन विचारधाराओं की, लेकिन वो सब लुप्त होता जा रहा है। आज जो राजनीति का परिवेश बदला है, मेरा परिवेश उस तरह नहीं बदल रहा, मैं आज भी मदन चौहान जब वही था जो 84 में था, 85 में था, और वही विचारधाराएं आज भी है, और वही गरीब के साथ जुड़ने की आज भी है, मैंने झुग्गी झोपड़ियों में भी काम किया, इनके लिए भी बहुत काम। एक सामयिक सवाल अभी बनता है, क्योंकि आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और जनता से जुड़े हैं,
कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और वर्षगांठ में हम क्या ये जान सकते हैं कि जो एक आज़ादी मिलने के बाद जो सपना संजोया गया था, जिसमें ये बात थी कि हर गरीब को न्याय मिलेगा, सस्ता न्याय मिलेगा, शिक्षा होगी, समान शिक्षा होगी, सबको स्वास्थ्य सुविधा मिलेंगी, तो इतना लंबा समय गुजर गया तो क्यों आप केवल सुझाव के रूप में हमें ये बताइए कि क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि देश में अभूतपूर्व बदलाव हो। जी देखिए, सबसे पहले तो जो भी राजनीति में या लोक सेवक के रूप में हो, जो एनजीओ चलाते हो, उनके ये देखिए औपचारिकताएं अलग चीज है। मन की अंतरात्मा से हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने सिस्टम को ठीक करना है। ये जो सिस्टम का कोलोप्स है और इसके अंदर जो देखिए एक प्राइवेट आदमी किसी काम को उचित ढंग से कर पा रहा है, उसकी संस्था पूरा बढ़िया काम कर रही है और वो संस्था पे संस्था बनाया जा रहा है, आगे चलाया जा रहा है, लेकिन एक जो सरकारी संस्थाएं हैं वो आज या तो बेचने के कगार पे आ रही है या उनको लीज पे देने की बात कर रही है। क्यों कर रही है? इसका मतलब जो शासन करने वाले लोग हैं, जो इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, या तो उनके अंदर कैपेसिटी या बुद्धि या विचारधारा उस तरह की नहीं है ताकि हमारा वो सिस्टम उस सिस्टम से काम करे, उसकी रूपरेखा ऐसी हो कि जो बिल्कुल मन और तन और आत्मा के साथ चले कि हमने वहां पर बिल्कुल जनता की सेवा के लिए खड़े हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। अब आप शिक्षा का क्षेत्र में आप देखें जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं सब में एक एजुकेशन का जो राइट है 10% जो गरीब को मिलना चाहिए उसमें भी हेरा फेरी है। तो ये हमारे मन में जो अंदर प्रदूषण है वो प्रदूषण बाहर से तो हम दूर कर सकते हैं, लेकिन अंदर का प्रदूषण दूर नहीं होगा तो बाहर का भी नहीं होगा। जब तक इस सिस्टम का हम अंदर का प्रदूषण दूर नहीं करेंगे तब तक शिक्षा भी नहीं सुधरेगी, चिकित्सा भी नहीं सुधरेगी, और ये जो राजनीति के तहत हम लोगों का जो एक बदलाव है राजनीति में जो हम लोग घुस करके प्रदूषण फैला रहे हैं उसको दूर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आम उपभोक्ता को ना शिक्षा मिलेगी, ना आम आदमी के बच्चे को शिक्षा मिलेगी। और आपने देखा होगा ये तांडव इसीलिए हुआ कि इस देश का शिक्षा पर चिकित्सा पर ध्यान नहीं था, दूसरे देशों की तुलना में हम लोगों का बजट भी चिकित्सा पे उतना नहीं था, और यही कारण रहा ना ऑक्सीजन मिली, ना डॉक्टर मिला, ना अस्पताल मिला, ना कोई देखने वाला मिला और ना परवाह करने वाला मिला। आखिर भगवान के भरोसे पर ही जो आज हम लोगों की जिंदगी चल रही है इसका यही कारण है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं, हम आम आदमी की भी बात कर रहे हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं हम अंदर से उस आजादी का सही मतलब छोटे अर्थों में ले जा रहे हैं और औपचारिकताएं निभा रहे हैं, और सिर्फ हम उसको औपचारिकता पूरा करके दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं या हम मानवता के भक्त हैं। उस मानवता का तकाजा जिस दिन मन से होगा, आत्मा से होगा, वो निश्चित तौर से बदलाव होगा। और यही कारण है कि आज हमारी सरकार तमाम, चाहे रेल हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्टेडियम हो, तमाम चीजों को लीज पर देना चाहती है, और लीज पे वही सिस्टम चलेगा जो अंग्रेजों ने जमींदारों को बनाने का काम किया। वो जमीनों का कलेक्शन दे दिया, हमें इतनी कलेक्शन दे दीजिए और बाकी सब तुम वसूलिए, वही सिस्टम आज सरकार करने जा रही है। तो ये जो सिस्टम को हम सुधारने की बजाय डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कमी है, झुकना है, इसको हमें समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। खालिश राजनीति भी तो स्वच्छ मन से की जा सकती है, राजनीति भी तो जो गरीब और आर्थिक कमजोर लोग हैं उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है कि इनका उत्थान कैसे हो। ये प्राधिकरण के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं वो प्राधिकरण के लोगों को या अधिकारियों को या बोर्ड मीटिंग में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ यही रखा जाता है कि भला फैक्ट्री आ रही है उसको इतना अलॉट कर दीजिए, इतना बिल्डरों को अलॉट कर दीजिए। ये बिल्डर और ये जो सोसाइटी और ये जो उपभोक्ताओं के बीच में संघर्ष चल रहा है वो इसीलिए ही चल रहा है क्योंकि वो उन्होंने सब कमर्शलाइजेशन कर दिया है। आखिरी सवाल आपसे मदन जी के, व्यवस्था तो बनाने वाले जो तीन लोग होते हैं न्यायपालिका में, जो एक न्यायपालिका है, एक हमारा शासन तंत्र जो चलाता है, और दूसरा कार्यपालिका है जिसको एग्जीक्यूटिव करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में ये है कि या तो अनदेखी कर रहा है जो कार्यपालिका काम कर रही है उसके, ये जो शासन तंत्र चला रहे हैं राजनीतिक दल या जो भी जो सत्ता में होते हैं वो कार्यपालिका की, वो एग्जीक्यूटिव जो करते हैं उनकी अनदेखी कर रहे हैं, या वो उनकी अनदेखी कर रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि जो फैसले लागू होते हैं नीचे के, नहीं जो फैसले नीचे के लागू होते हैं उन फैसलों के
में कभी कभी संवेदनशीलता का बर्ताव होना चाहिए। इसके लिए दोनों न्यायपालिका भी तीनों हैं उसमें, जो हमारे लोकतंत्र के महान प्रहरी हैं, जिनके लिए जो बनाए गए हैं जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। जी, मेरा कहना ये है कि आप तीनों जो आपने बताई, न्यायपालिका भी, विधायिका भी, शासन व्यवस्था में भी, एग्जीक्यूटिव पावर भी, ये तमाम बॉडी में प्रदूषण अंदर है। जो प्रदूषण और जो विचार दूषित होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से प्रेरित हो, चाहे भाषावाद से प्रेरित हो, चाहे जातिवाद से प्रेरित हो, या किसी और चीज से प्रेरित हो, वो प्रेरित है सबके। वो अपने वर्चस्व और अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रेरित व्यवस्था है, इसको पीछे हटाना पड़ेगा। और जो हमारी सिस्टम की जो कड़ापन है, उसको जो दंड का, और क्योंकि जुडिशियर को भी विश्वास नहीं होता जा रहा, हटता जा रहा है। और एग्जीक्यूटिव तो वो जो एक भले आदमी की नहीं सुनता है, और एक जो अप्रोचफुल है उसकी सुनता है। वही व्यवस्था अगर पुलिस में आप जाओगे, जेल कौन जा रहा है आज तक? जेलों को जाकर देखिए, जेलों में वही ज्यादातर लोग मिलेंगे जिसकी सिफारिश नहीं थी या पैसे नहीं दे पा रहा था। वही आदमी जेल जा रहा है, वही आदमी जेल में, बहुत से लोग जेल में भी आज ऐसे लोग पड़े जिनकी कोई आज तक विचारों की केस भी नहीं है और जमानत भी करने नहीं आया। तो ये जो व्यवस्था है, ये आम आदमी, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आम आदमी की सुध ले, उसकी चिकित्सा शिक्षा और जो रहन सहन का स्तर है, इस पर ध्यान दें और उसको इतना काबिल करें ताकि वो हमें नए नए आयाम, नए नए विचार दे करके हमें इस देश की, इस दुनिया की प्रतिस्पर्धा में बराबरी में लाने का काम करे। बहुत देश ऐसे हैं जो हमारे बाद में आजाद हुए, लेकिन टेक्निकली वो आर्थिक हमसे आगे निकल गए। ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ आपस में सिर्फ प्रतिस्पर्धा हम वैमनस्य में कर रहे हैं, जाति बिरादरी में कर रहे हैं, धर्मवाद में कर रहे हैं, दूषित राजनीति में कर रहे हैं। किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए, चाहे दुनिया मिट जाए, चाहे सबका नाश हो जाए, चाहे बेचारे लोग सड़क पर भूखे मर जाए, ये किसी को परवाह नहीं। और जब ये परवाह नहीं, तो हमें भी एक दिन उसी हिसाब से ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। जो हमारा उनके साथ हम नहीं सोचते, वो हमारे साथ भी हो जाता है। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया और आप अपने विचार व्यक्त किए, आपने अपनी भावनाओं को बताया और साथ में अपने बचपन से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये रेडियो स्टेशन इसी तरह से सेवा करता रहे तो लोगों तक कुछ आवाजें पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद प्रयास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गांधी विचार मंच से जुड़े हुए और नोएडा लोक मंच के संस्थापकों में से एक मदन चौहान जी, जिन्होंने अपना कैरियर एक निजी कंपनी से शुरू किया और वो बाद में राजनीति में आए और 3 बार विधायक रहे और प्रदेश में मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने सारे विचार हमारे साथ रेडियो में शेयर किए। ऐसे लोगों को हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे। आप देख सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।